बठिंडा की सीआई पुलिस ने आज सिरसा के गांव देसुजोदा में नशा तस्करों को लेकर की गई छापेमारी में तस्करों में पुलिस के बीच कई राउंड फायरिंग हुई। दोनों तरफ से की गई फायरिंग में 5 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए डव्वाली व बठिंडा के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। झपट के दौरान अपराधियों ने महिलाओं सहित मिलकर पुलिस पर हमला बोल दिया और पुलिसकर्मियों को घसीटकर बुरी तरह से पीटा। इस फायरिंग में गांव के ही एक वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर सिरसा के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरुण नेहरा ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौके का मुआयना किया। इस घटना ने यह भी साबित कर दिया है कि प्रदेश में तस्करों के हौसले किस तरह बुलंद हैं। एक्चुअली हमारे एक FIR दर्ज की रमा पुलिस स्टेशन में 228 नंबर, और उसमें 6000 के करीब गोली पकड़ी गई थी और जो 7 तारीख का पर्चा दर्ज था। और उसके बाद ये जो लड़का नया नॉमिनेट किया गया था वो रहने का था और सिर्फ पूरा जो गांव है उसका रहने वाला था, लेकिन हमारी जो पुलिस पार्टी के पास जो पकड़ा गया लड़का था उसके पास इन्फॉर्मेशन थी कि वो पंजाब में मॉर्निंग के टाइम आता है, तो वहाँ पर अगर कुछ नाका वगैरह लगा के चेक किया जाए तो वो पकड़ा जा सकता है, क्योंकि वो पंजाब में आता जाता है। तो हमारी पुलिस पार्टी पंजाब के बॉर्डर के तरफ जाके वहाँ हमारे एरिया में नाका लगाया था, वहाँ पर जाके जब उस लड़के ने पुलिस पार्टी को देख लिया तो वो हरियाणा की तरफ भाग लिया, तो हमारी पुलिस पार्टी पीछे लगी, उसकी वजह से वो हरियाणा में वो गांव में चला गया और उस जिस जगह में वो गया था वो उसको कवर कर लिया। कवर करने के बाद उसने अपने साथियों को बुला लिया और हमारी पुलिस पार्टी पर अटैक कर दिया, जिसके वेपन वगैरह खोज लिए सभी मिल के, और काफ़ी इंजरी वगैरह काफ़ी है, और पुलिस फाइल भी खोज ली, मोबाइल भी खोज लिया, तो इनके एक जो वेपन खोज लिए उन्होंने लोड करके फायर कर दिया और एक हमारे पुलिस मुलाजिम के लगा गए इंजर्ड है वो, और वो रेफर किया गया। बाकी जो दूसरे मुलाजिम वो सारे इंजर्ड। सर कितने लोग पकड़े थे इस मामले में? जो 7 तारीख को तो 2 आदमी पकड़े गए थे। नाम सर उनके? और नाम उनके तो मेरे पास इस टाइम नहीं है। चलो ठीक है। वो मामला कहाँ का है? वो रामा पुलिस स्टेशन। और ये पुलिस पार्टी जो रामा मंदिर की थी? नहीं, ये पुलिस पार्टी सीए की सीए बन की थी बठिंडा, उन्होंने पकड़ा था और वो छत्तीसगढ़। और कोई गोली भी चली है वहाँ? हाँ, उन्होंने हमारे वेपन खो के गोली चलाई है हमारे पुलिस मुलाजिम। एक पुलिस ने भी कुछ चलाई है पहले गोली बता रहे थे? नहीं नहीं, उसमें लगी है उसमें। हमारे जो पुलिस मुलाजिमों के पास वेपन थे उन्होंने ज़्यादा पब्लिक होने की वजह से उन्होंने वेपन खोज लिए और वेपन खोजने के बाद उन्होंने फायर कर। जो अपने मुलाजम के गोली लगी है सर, उसकी हालत कैसी है? हाँ ठीक है, ऑटो ब्रेंज है। क्या वो वेपन रिकवर कर लिए पुलिस ने? नहीं नहीं, अभी तो सब कुछ उनके पास। थैंक यू सर। सर ये थोड़ा जहाँ जो हादसा है थोड़े नाल रेट तक इस बारे थोड़ा दसो। वहीं इस मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि गांव देसुजोदा की घटना ने यह दिखा दिया कि प्रदेश में तस्करों के हौसले किस तरह बुलंद हैं और सरकार की शह पर सिरसा में नशा का खेल खेला जा रहा है। नशे को बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं सरकार भी पीछे नहीं है। न्यूज़ फॉर यू के लिए डॉक्टर गुलाब सिंह की रिपोर्ट। आज की जो एक घटना हुई है देसुजोदा गांव के अंदर कि नशा बेचने वाले के घर पे जब पुलिस ने रेड मारी तो नशा तस्करों की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी और वहीं एक पुलिस के जवान को मौत के घाट उतार दिया। और पुलिस ने जब सामने से फायरिंग करी तो एक मरा। मैं तो कहता हूँ एक नहीं, जितने लोग थे उन सबको मौत के घाट उतारना चाहिए था। और जो नशा बेचने वाले लोग हैं उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए। सरकार ने तो नशा बेचने वालों को टिकटें दी है, लेकिन पुलिस की एक जिम्मेवारी बनती है कि चाहे कितना ही बड़ा कोई आदमी हो अगर नशे का धंधा करने वाला है तो उसके ऊपर तुरंत लगाम डाले, तुरंत उसको पकड़े, गिरफ्तार करे, अंदर दे। अब पुलिस को इस बात से नहीं डरना चाहिए कि सरकार किसकी है। इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। अब पुलिस की प्रशासन की बड़ी जिम्मेवारियां हैं, ना कि सरकार की है।